आज आप सभी को होंगे श्री बिहारी जी की पोशाक श्रृंगार के दर्शन, बिहारी जी के साथ सखियों के दर्शन एवं महाभिषेक के बाद विशेष भोग के दर्शन। आज ठाकुर जी ने महाभिषेक के बाद येलो कलर की बहुत सुंदर पोशाक पहनी है, जिसमें लाल रंग का गोटा है, लाल रंग की किनारी है। ये ठाकुर जी का पटका था। अब आप जो देख रहे हैं ये इकलाई है यानी ओढ़नी, बहुत सुंदर श्रृंगार है। आज येलो कलर की पोशाक है जिसमें फूल बने हुए हैं कढ़ाई के और लाल रंग का उसका बॉर्डर है। ये ठाकुर जी का श्रृंगार है, चंद्रिका है, कंठ गले का है, सिर पेच है, बाजू बंद है, टिपारा है, कटारे हैं। ये ठाकुर जी की पोशाक के दर्शन कर रहे हैं आप सभी। सभी लोग ठाकुर जी की पोशाक पर भी माथा लगाएं, ताकि जब यह पोशाक बिहार जी धारण करें तो आप सभी की भी हाजिरी उपस्थिति श्री बिहारी जी के चरणों में अर्पित हो जाए। यह आपका सौभाग्य कि आपको श्री बांके बिहारी जी ने जो आज पोशाक पहनी जन्मोत्सव के बाद रात 12 बजे के बाद, उस पोशाक के आपको YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी के द्वारा दर्शन हो रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं था, उन्हीं की कृपा से सभी चीज सुलभ हो पा रही हैं। पोशाक के दर्शन करने के बाद अब हम ठाकुर जी के सिंहासन पर माथा भी टेकेंगे और ठाकुर जी की सखियां सिंहासन पे ठाकुर जी के अगल बगल एक एक सखी खड़ी रहती हैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। लाला का जन्म हुआ है, चमर सेवा करती हैं। ये सजावट होती है जन्माष्टमी पे, विशेष गमले रखे जाते हैं। सखियों को भी बहुत सुंदर पोशाक से सजाया जाता है, ठाकुर जी की मैचिंग की ही पोशाक होती है इनकी भी। ये आप देख रहे हैं ठाकुर जी की सखियों के भी दर्शन आपको YouTube चैनल के द्वारा हो रहे हैं। और आप सभी की तरफ से मैं भी माथा टेकता हूँ श्री बांके बिहारी जी के चरणों में। आप सब भी माथा टेकें श्री बांके बिहारी जी के सिंहासन पर। अब हम आपको भोग के भी दर्शन कराएंगे। अब आप दर्शन कर रहे हैं जो भोग ठाकुर जी को अर्पण होगा। श्री बांके बिहारी जी की सेवा भक्तों के द्वारा अपने अपने गोस्वामियों के द्वारा की कराई जाती हैं। सभी भक्त अपने गोस्वामियों के द्वारा श्री बांके बिहारी जी की सेवा करवाते हैं। ये ठाकुर जी को भोग लगेगा। ये ठाकुर जी के पाग का विशेष भोग आज के दिन लगता है जन्माष्टमी पर। मखाने हैं, नारियल का पाग है, ड्राई फ्रूट्स का भी पाग है। आज के दिन यही विशेष भोग लगता है बिहारी जी को। ये फ्रूट्स का भोग है, फलों का, केसर की डिब्बी भी रखी है। ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग करने के लिए आप सब भी मानसिक रूप से श्री बिहारी जी को भोग अर्पण करें और यही भाव रखें आप भी श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी में उपस्थित हैं एवं मानसिक रूप से श्री बांके बिहारी जी की छवि का रसपान कर रहे हैं। इससे आपको वास्तविक रूप से दर्शन करने का ही पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप जन्माष्टमी पर बधाई देने वृंदावन नहीं आ सके। श्री बिहारी जी ने सभी की बधाई स्वीकार की है, सभी पर कृपा बरसाई है, सभी को बहुत बहुत बधाई। दर्शन करेंगे जो सामग्री ठाकुर जी के महाअभिषेक में प्रयोग की जाती है, दूध, दही, शहद, पूरा, घी आदि। बांके बिहारी लाल की जय।